दुर्गा पूजा के 9 दिनों तक श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने के बाद लोगों ने आज मां को विदा किया। इस दौरान महिलाओं ने मां की विदाई के मौके पर सिंदूर की होली खेली, जिसे सिंदूर खेला के नाम से भी जाना जाता है। मां देवी और मां काली को सिंदूर सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए विजयादशमी और मां की विदाई के अवसर पर यहाँ की महिलाएं एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाकर मां को विदाई देती है और पति की लंबे आयु की कामना करती है। सिंदूर खेला की परंपरा 450 साल पहले पश्चिम बंगाल से शुरू हुई थी। इसके साथ ही नवरात्रि के आखिरी दिन बंगाली समुदाय के लोग धनुची नृत्य से माँ को खुश करते हैं। तो नवरात्र के आखिरी दिन विजयादशमी और विजयादशमी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन से पहले बंगाली रीति रिवाज से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और बंगाली समाज की जो महिलाएं हैं वो माँ को पहले पान के पत्तों से सिंदूर लगाती हैं, गालों को स्पर्श करती हैं और उसके बाद मिठाई खिलाकर माँ दुर्गा को कहते हैं ना कि जब एक बेटी की विदाई की जाती है तो सबसे पहले बेटी को सिंदूर लगाया जाता है और फिर मिठाई खिलाकर उन्हें सुखद दाम्पत्य की कामना के साथ साथ जो ये अनुष्ठान किया जाता है और जब सिंदूर अर्पित हो जाती है, सिंदूर अर्पित करने के बाद जो बंगाली समाज की जो महिलाएं हैं वो ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकती हुई नजर आती हैं। तो वो तस्वीरें आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो महिला हैं वो यहाँ पर एकजुट होकर ढोल नगाड़ों की धुन पर यहाँ पर थिरकती हुई नजर आएंगी। और देखिए कि कितना बेहद ही खुशनुमा पल है, बेहद ही खुशनुमा माहौल है कि जो महिलाएं हैं वो देखिए एकजुट होकर एक राउंडिंग जो है वो बना करके और अपने कंधों पे इतना खुशनुमा माहौल होता है कि अपने कंधों पर ढोल रखी हुई है नगाड़ा की बजाने के लिए। तो पहले हम इनसे एक बार बात करते हैं, आप बेहद ही खुशनुमा माहौल है, खुद मैं देख रही हूँ कि आप काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। हाँ, खुश होने की तो बात है, हमारी सबसे पसंदीदा माँ जो हमारे साथ सिर्फ 3 दिन के लिए रहने आती है वो आज जा रही है और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन उन्हें अगले साल आने देने के लिए हमें उन्हें उनका वरण करना होगा। पर इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं, इसलिए माँ को विदा करने समय हम नहीं रोना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए माहौल तो खुशनुमा है और साथ ही साथ आंखें नम भी हो जाती क्योंकि जब एक बेटी को विदा की जाती है तो जाहिर सी बात है कि सभी की आंखें नम हो जाती है। और अब ये धुन देखिए किस तरीके से जो महिला है वो थिरकती हुई नजर आ रही है। देखिए माहौल बेहद ही खुशनुमा नजर आ रहे हैं और सभी महिलाएं वो एक भूषा में एक वेशभूषा है वो नजर, जो बंगाली समाज का जो एक ड्रेस होता है एक ये, और वो अलग अलग अपने अपने ड्रेस में नजर आ रही हैं क्योंकि खास तौर पर ये जो ड्रेस होता है ना ये बेहद ही खूबसूरत ड्रेस होता है। ये हमें तभी देखने को मिलता है जब दशहरा आती है, नवरात्रा जब होती है, क्योंकि विजयादशमी के अवसर पर हमें ये तस्वीरें देखने को मिलती है सिंदूर खेला के दौरान। मैम एक अलग ही खूबसूरत नजारा होता है ये और खास तौर पर एक सिंदूर खेला का ये रस्म अदा की जाती है। हाँ मैम, ये बहुत ही खास होता है हम लोगों के लिए, माने सुहागनों लोग के लिए, ये अनमैरिड लड़कियां तो सिंदूर खेला नहीं खेलती हैं, ये तो सुहागन लोग खेलती है। जैसे हम लोग शादी करते हैं माँ का, वैसे ही इस बार फिर माँ को शादी किया और बोले हैं कि हर साल हम लोगों के पास आइएगा और हम लोग हमेशा खुशियाँ मनाएंगे। तो हर साल इसी तरीके से आइएगा और हमेशा खुशियाँ मनाते हुए नजर आएंगे और खुशी तो है लेकिन आंखें नम भी है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो डांस करती हुई नजर आ रही है और एक से एक अलग अलग अंदाज में महिलाएं हैं वो डांस करती हुई नजर आ रही है। तो आज विजयादशमी के अवसर पर सिंदूर खेला की रस्म अदा करने के बाद माँ को विदाई दी जाती है और प्रतिमा की फिर विसर्जन की जाती है और बंगाली समाज का ये रस्म जो है बेहद ही खास होता है और कई सदियों से जो ये परंपरा है वो चलती आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे और मेरी अपने सहयोगी सुनील के साथ मैं करिश्मा पटना, नमस्कार।